हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्ञानचंद शर्मा फ्रॉम जीबी कैंपस अलवा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल जीबी कैंपस। और इस सेशन में हम फिर से वही बेसिक इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इस पार्ट पर और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी वर्ब के बारे में आप एक नोट और लिख लेंगे। चीफ करेक्टरिस्टिक्स चल रही थी अपनी, मैंने क्या लिखवाया था, द सेलियंट फीचर्स, द मैं लिखवा रहा था आपको द सेलियंट, सेलियंट का मतलब प्रमुख फीचर्स, विशेषताएं ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स की प्रमुख विशेषताएं। तो एक तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है। दूसरी फाइनाइट वर्ब्स की विशेषता यह है कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि नंबर के अनुसार, नंबर मीन्स वचन, नंबर के अनुसार चेंज हो जाती है। यानी फाइनाइट वर्ब से इसका भी फर्क पड़ता है कि वर्ब एक सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स जो है फाइनाइट वर्ब्स की वो ये है कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि किसके अनुसार चेंज हो जाती है, टेंस के अनुसार, सॉरी अपने नंबर के अनुसार, वचन के अनुसार, एक वचन है या बहुवचन है। देखते हैं, हम यहाँ ध्यान देंगे आप। राकेश अपनी हार स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और मैंने कहा कुछ राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि राकेश, राकेश सब्जेक्ट हो गए, अब राकेश कंसीड्स, पता है मैं कंसीड्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि राकेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, और ही किस्म आता है एक वचन में, किस्म आता है एक वचन में। तो मैंने कहा राकेश कंसीड्स हिज डिफीट, अपनी हार मान लेता है। ठीक, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि राकेश एक वचन है, तो जो फाइनाइट वर्ब्स होती है वो किसके अनुसार चेंज हो जाती है, नंबर के अनुसार। अब मैंने यहां पर लिखा सम पॉलिटिशियंस, सम पॉलिटिशियंस, अब मैंने कहा कुछ राजनेता, अब राजनेता क्या हो गया, बहुवचन, तो बहुवचन के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, दे, तो एक वचन है तो वर्ब एक वचन के अनुसार आएगी, बहुवचन है तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, प्लूरल के अनुसार, बहुवचन के अनुसार। तो यहां चूंकि दे आ रहा है तो हम यहां क्या लिखेंगे, केवल कंसीड, कंसीड देयर, टी एच ई आई आर, देयर मीन्स अपनी डिफीट, हार स्वीकार कर लेते। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब टेंस, नंबर, प्रोनाउन, इनके सभी के अनुसार चेंज हो जाती है, और हम इंग्लिश में बहुत सारी फाइनाइट वर्ब्स अभी पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं
नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर के, ठीक है। चलो और देख लेते हैं अभी हम, रामलाल कैंसर से मर जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, अनेक लोग प्रतिवर्ष कैंसर से मर जाते हैं। थर्ड सेंटेंस, दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, इस वर्ष भारत में अनेक लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं, देखिए। सारे हिंदी के वाक्य, रामलाल कैंसर से मर जाता है, अनेक लोग प्रतिवर्ष कैंसर से मर जाते हैं, दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं, और इस वर्ष भारत में अनेक लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश में सबसे पहले मेन वर्ब पर जाना है आपको, मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब मर जाना, ठीक है। और मरने वाला कौन है, रामलाल सब्जेक्ट हो गया। अब ये आपको सीखना है या आपकी ड्यूटी बनती है कि यदि किसी की मृत्यु डाई बीमारी से हो जाए, किससे हो जाए, बीमारी से, डाई फर्स्ट फॉर्म, डाइड सेकंड फॉर्म, डाइड थर्ड फॉर्म, और यदि किसी की मृत्यु बीमारी से हो जाए तो डाई ऑफ डिजीज, डाई ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी से मरते हैं तो डाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ प्रपोजिशन आता है। ये नहीं आप हिंदी अनुवाद करें, फ्रॉम का यूज कर दे। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश बनाई रामलाल, ठीक है। अब चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, इसमें मेन वर्ब आती है, और रामलाल एक वचन है तो हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ई एस, तो हमने डाई में क्या लगा दिया, डाइज, रामलाल मर जाता है, किससे, ऑफ कैंसर। अब यदि कोई भी व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ आता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डाइज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, अनेक लोग प्रतिवर्ष कैंसर से मर जाते हैं, मेन वर्ब क्या है, मरना, मरने वाले कौन है, अनेक लोग, तो मैनी, अनेक, पीपुल, सही प्रोनाउंस तो इसका वैसे पीपल होता है, लेकिन चूंकि हमें आदत पीपुल बोलने की है और ये पहले से ही ऑलरेडी बहुवचन है, ठीक है, इसमें हमें एस का यूज नहीं करना है। और मैनी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लोग, अनेक लोग, नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। मैनी पीपुल डाई, अनेक लोग मर जाते हैं, ऑफ कैंसर, कैंसर से, ठीक है। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, तो हम ये भी सीख गए कि यदि किसी की मृत्यु बीमारी से होती है तो हमें डाई के बाद किसका यूज करना है, ऑफ का। तो देखिए मैंने बता ही दिया कि मेन वर्ब किससे प्रभावित होती है, टेंस से, यहाँ डाइज था, यहाँ पर डाई। अब यहाँ पर दे रखा है दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं, तो मरने वाले कौन हैं, अनेक लोग, तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है, सब्जेक्ट, तो मैंने क्या लिख दिया,
मैनी पीपुल, मैनी पीपुल अनेक लोग, ठीक है। अब चूंकि रहा है रही आ रहा है, काम अभी भी जारी है, तो इज आर एम के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आर एम, तो पीपुल बहुवचन है तो क्या आएगा आर, क्या आएगा आर। अब देखो आपको थोड़ा सीखना है, रटना नहीं है इंग्लिश को, तो यहां ध्यान देंगे अब आप, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई आता है जैसे डाई है और हमें इसमें आई एन जी लगाना है, तो आई ई को वाई में बदल के क्या लगाएंगे, आई एन जी डाई। यदि मुझे लाई में आई एन जी लगाना है तो एल आई ई, लाई मीन्स लेटना या झूठ बोलना, एल वाई आई एन जी, ठीक है। वाई, वाई मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा करना, अब मुझे आई एन जी लगाना है तो वी वाई आई एन जी, ठीक है। अब हम इनमें गलतियां और कर जाते हैं, एक्चुअल में एक बार मैं प्रपोजिशन में लिखवाता हूँ कि वाई के बाद विद प्रपोजिशन आता है, वाई विद बराबरी करना, क्या लिखवाता हूँ, वाई विद बराबरी करना या कंपीट विद बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो आपको डाई को लेके तो याद है, लाई को लेके याद है, लेकिन अब जैसे वाई वी आई ई, इसमें मैंने आई ई को किस में बदल दिया, वाई में, तो आप यह नियम भूल जाते हैं। वो इंग्लिश में नियम होता है, जो नियम फर्स्ट फॉर्म पे काम करेगा वही सेकंड फॉर्म पे एप्लीकेबल होगा, वही थर्ड फॉर्म पर एप्लीकेबल होगा, कभी इस तरह से नियम चेंज नहीं होते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले तो अपने एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन अकर्ड हुआ 15 में, दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी सीजीएल, क्वेश्चन क्या था देखें आप, एसएससी सीजीएल 2015, उसमें दिया हुआ था, सही नहीं आ रहा क्या सर, आ रहा है सर, चलो तो कि लेट अस ए पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में दे रखा था वाई टू कि हम बराबरी करें, लेट अस वाई टू वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, बराबरी करें, तो कहता है या तो एरर ए में या बी में या सी में, नो एरर है तो आंसर डी। तो मुझे पता लगा कि वाई के बाद टू प्रेपोजिशन नहीं आता है, बल्कि हमें वाई के बाद किसका यूज करना है, विद प्रपोजिशन, ठीक है। अब आपने वैसे तो रट लिया कि वाई विद, वाई विद, वाई विद, कंपीट विद, कंपीट विद, लेकिन अभी एसएससी सीजीएल के पेपर में ही 4 साल बाद 2019 के पेपर में इस तरह से लिखा जाता है वी वी वाई आई एन जी, और इसके बाद टू दे रखा है, लेकिन आप एरर रिकग्नाइज नहीं कर पाए, फाइंड आउट नहीं कर पाए, क्योंकि आप भूल गए, आपको वो तो याद था कि वाई के बाद विद आता है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि वाई वाई की ही फॉर्म है वी वाई आई एन जी, इसको यानी आई ई को वाई में बदल करके किसका यूज कर दिया, आई एन जी का। तो यहाँ पर आप टू का प्रयोग न करके किसका यूज करेंगे, टू का प्रयोग न करके हम किसका यूज करेंगे, विद का, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, डाइंग, आई ई को हमने किस में बदल दिया, वाई में। तो मैनी पीपुल आर डाइंग ऑफ, अनेक लोग मर रहे हैं, किससे मर रहे हैं, कैंसर से, ठीक है। दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं, मैनी पीपुल आर डाइंग ऑफ कैंसर डे बाय डे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ये इसकी इंग्लिश बन गई। तो देखो फाइनाइट वर्ब किसके अनुसार चेंज हो जाती है, टेंस के अनुसार। एक तरफ आपने देखा होगा डाई आ रहा है, डाई जा रहा है, एक सेंटेंस में डाई आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में डाइंग आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि ये किसके अनुसार चेंज हो जाती है, टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार, प्रोनाउन के अनुसार। ठीक है, देखो इसके पीछे भी रीजन है हर चीज का, इंग्लिश में हर पॉइंट को लेकर के, हर क्वेश्चन को लेकर के नियम होता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी मैंने डे बाय डे लिखा है, तो इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि यदि प्रपोजिशन से पहले वाली और बाद वाली नाउन पैरेलल है, एक जैसी है, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगी। आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा फेसिज टू फेसिज, तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन से पहले वाली और बाद वाली नाउन जब सेम होती है तो नाउन हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है, तो हम क्या कहेंगे, फेस टू फेस। ठीक है, अभी आपके एसएससी मारा है स्पीकर्स, एसएससी में क्या आ रहा है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, तो ये गलत हो गया, बल्कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्पीकर आफ्टर स्पीकर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर डे बाय डे क्यों लिखा, डे बाय डे, क्योंकि प्रपोजिशन से पहले वाली और बाद वाली नाउन जब एक जैसी होती है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। इस वर्ष भारत में अनेक लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं, तो यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। मैंने कहा इस वर्ष भारत में अनेक लोग किससे मर चुके हैं, कोरोना वायरस से मर चुके हैं, तो काम पूरा हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्रिया हो गई मरना, मरने वाला कौन है, अनेक लोग, तो मैंने क्या लिख दिया, मैनी पीपुल, मैनी पीपुल। अब चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव डाइड। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ आता है, कोरोना वायरस डाइड ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, भारत में कब, दिस ईयर, इस वर्ष। तो देख लो यहां पर आपकी जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो गई है, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, डाइड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमेशा टेंस से, नंबर से, प्रोनाउन से अफेक्टेड होती है, कहीं पे डाई जा रहा है एक जगह डाई आ रहा है, एक जगह डाइंग आ रहा है, एक जगह डाइड आ रहा है। और यह आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है। ठीक है, एक एसएससी एनडीए के पेपर में क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन ये था कि वी वर शॉक्ड, हमें सदमा पहुंचा, वी वर शॉक्ड टू नो दैट, हमें यह जान करके सदमा पहुंचा, ए पार्ट, वी वर शॉक्ड टू नो दैट, हमें यह जान करके आघात पहुंचा, शॉक्ड हुए, शॉक्ड का मतलब एक तरह से जॉल्टेड, धक्का लगना, हर्ट हुए, हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट 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 ही होती है, तो वी वर शॉक्ड टू नो दैट, हम ये जान करके हमें आघात पहुंचाया, सदमा पहुंचा, दैट द ओल्ड मैन, क्या दिया हुआ था, द ओल्ड मैन डाइड बाय कैंसर, तो मैंने पढ़ते ही एरर रिकग्नाइज कर दी बी पार्ट में, मुझे सी पार्ट में जाने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाता है तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो मैं तुरंत एरर डिटेक्ट कर ली मैंने, आप भी तुरंत एरर को डिटेक्ट कर सकते थे यदि आपको ये पता होता कि डाई के बाद यदि किसी की मृत्यु होती है तो हमें ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर घुमा करके पूछ लेता है, वो कहता है कि रवि
वॉज रवि था, सफर्ड रवि पीड़ित था, फ्रॉम कैंसर कैंसर से पीड़ित था, तो ये तो ए पार्ट हो गया, सफर्ड फ्रॉम कैंसर। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से पीड़ित हो तो सफर के बाद फ्रॉम आता है, और सफर्ड यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। रवि रवि वॉज था सफर्ड पीड़ित फ्रॉम कैंसर एंड ही डाइड फ्रॉम इट एट लास्ट, और अंत में वह इससे मर गया, किससे मर गया, डाइड फ्रॉम इट एट लास्ट या इवेंचुअली। अब मैंने कहा सी पार्ट, और नो एरर है तो आंसर डी दीजिए। तो आप अगर रट के पढ़ेंगे लैंग्वेज को, जब तक कॉम्प्रीहेंड नहीं करोगे, एप्रीहेंड नहीं करेंगे, तब तक आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। देखो लैंग्वेज का मीनिंग समझिए, रवि वॉज सफर्ड, रवि पीड़ित था फ्रॉम कैंसर, कैंसर से पीड़ित था। अगर कोई किसी चीज़ से पीड़ित होता है तो सफर के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, सफर यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, एंड ही डाइड और वह मर गया फ्रॉम इट, तो यहाँ इट शब्द किसके लिए आ रहा है, कैंसर के लिए। अब अगर बीमारी का नाम देता जब, तो आप क्या लिख देते, ओप। अब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा कि वह इससे मर गया, किससे, कैंसर से, तो यहाँ फ्रॉम की जगह किसका यूज होगा, ओप का। ठीक है, कल हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।